अनलॉक एक के शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है। इस दौरान रोडवेज बस स्टैंड पर सभी यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग और हाथ को सैनिटाइज और मास्क को चेक करके बारी बारी बसों में बैठाया गया। लॉकडाउन के बाद मिली बस सुविधा से सभी यात्रियों के चेहरे पर खुशी दिखी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यात्री गुलाम हुसैन, वीरेंद्र चौबे, संगीता देवी, पूनम पांडे ने कहा, दूरी बना के रहिए, अपने दूरी बना के। मेरा नाम गुलाम रसूल है। कहाँ जाना है? तमकई रोड। सरकार के द्वारा लगभग 2 महीने के बाद बस चलाया जा रहा है टाउन के बाद, ठीक है? लगभग वीरेंद्र चौबे मेरा नाम। कहाँ जाएंगे सर? तुम कहीं रह जाएंगे? अच्छी बात है, पहले दिन चला है, सुविधा मिलना शुरू हो गया है लोगों को, हम लोगों को भी सुविधा। नहीं तो 2 महीने से तो आदमी फंसा ही था, आदमी जा ही नहीं पा रहा था यहाँ से गोरखपुर से, तो हम कोई नहीं आदमी जा पा रहा था। अब तो मैंने शुरू हुआ है तो मैंने आदमी जा रहा, चलना शुरू हुआ। अब थोड़ा सा खुशी है इस बात की कि मतलब बसें चल रही हैं। संजीता देवी। कहाँ जाएंगे आप? फाई नगर। हम लोग फंसे नहीं थे, हम लोग खुद के रूम थे। क्या है, सब ठीक है, अब सरकार इसमें क्या करेगा? हमारा नाम पूनम पांडे, हम लोग जाएंगे वहाँ, बस्ती जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है।